नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हम आपको भारत की कृषि फसलों के बारे में बता रहे थे। भारत में अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। मौसम के हिसाब से फसलों का बोया जाना कृषि फसलों के रूप में जाना जाता है या कृषि मौसम के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है, हमारे भारत में ग्रीष्मकाल, शीतकाल और वर्षाकालीन अवधि देखने को मिलती हैं। इन तीनों ही ऋतुओं के हिसाब से हमारे भारत में अनाजों की या फसलों की तीन ऋतुएं देखने को मिलती हैं। खरीफ की ऋतु के रूप में, रबी की ऋतु के रूप में और जायद की ऋतु के रूप में। हम चर्चा ये कर रहे थे कि भारत में अनाजों का उत्पादन किया जाता है और अनाजों के उत्पादन में चावल और गेहूं रूपी जो अनाज हैं ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये भारत के सबसे बड़े खाद्यान्नों के रूप में शामिल किए जाते हैं। चावल भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाई जाने वाली फसल है। भारत के अधिकांश राज्यों में यह मुख्य भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चावल के उत्पादन के बारे में कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि कहां कहां उत्पादित किया जाता है और विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति कैसी है। आज हम मैप के माध्यम से भारत के उन क्षेत्रों को समझने की कोशिश करेंगे जहाँ पे चावल का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। बच्चों, आपके सामने भारत का एक आउटलाइन मैप दिया हुआ है जो एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया गया है। इस पुस्तक के अनुसार जो मैप है उसमें चावल के उत्पादक क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है। एक चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के रूप में, दूसरा चावल के गौण उत्पादक क्षेत्रों के रूप में। यहाँ प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का तात्पर्य भारत के ऐसे राज्यों से हैं जहाँ पर चावल मुख्य फसल के रूप में बोई जाती है, जबकि गौण क्षेत्रों का तात्पर्य ऐसे राज्यों से हैं जहाँ पर मुख्य फसल चावल न होकर कोई दूसरी होती है, लेकिन मुख्य फसल के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण जो फसल आती है उसके रूप में चावल को शामिल किया जाता है। तो हम प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा करते हैं कि भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, डार्क शेड के माध्यम से इस चीज़ को दर्शाने का प्रयास किया गया है और लाइट शेड के माध्यम से चावल उत्पादन के गौण क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय भाग हैं, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु का समुद्र तटीय भाग है, असम है, ये सारे पर्टिकुलर एरिया ऐसे हैं जहां चावल एक मुख्य फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों को चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है। जबकि दूसरी ओर लाइट शेड के रूप में हमें गुजरात का दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र का पश्चिमी भाग, गोवा, कर्नाटक का पश्चिमी भाग, केरल का पश्चिमी भाग, तमिलनाडु का दक्षिणी और पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, यूपी का, उत्तर प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग, पंजाब और हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चावल उत्पादित तो किया जाता है लेकिन यहाँ चावल गौण रूप में उत्पादित किया जाता है। इन चावल के अलावा गेहूँ का उत्पादन होता है जो यहाँ मेजर रूप से किया जाता है। महाराष्ट्र में बाजरा, मक्का भी हो सकती है। तो चावल दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर चावल दूसरी महत्वपूर्ण फसल है तो उन क्षेत्रों को हम चावल के गौण उत्पादक राज्यों की श्रेणी में शामिल करते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, हम गेहूँ के ऊपर। देखिए, भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाई जाने वाली जो फसल है वो चावल है, लेकिन चावल के पश्चात खाद्यान्नों में सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त ली जाने वाली जो फसल है वो गेहूं के रूप में जानी जाती है। आपको पता है, गेहूं उत्तरी, पश्चिमी, मध्यवर्ती भारतीय भाग की जनसंख्या की मुख्य खाद्यान्न फसल है।
भारत के द्वारा विश्व का लगभग 12% गेहूँ उत्पादित किया जाता है। गेहूँ की फसल का उत्पादन मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल के रूप में होता है, अतः इसे शरद अर्थात रबी की ऋतु में बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक केंद्रित देखने को मिलता है। उत्तर में गंगा यमुना का मैदान, मालवा का पठार तथा हिमालय पर्वत श्रेणी के 2700 मीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के दृष्टिकोण से अनुकूल परिस्थितियों को दर्शाता है। रबी की फसल होने के कारण यह सिंचाई वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्र में गेहूं के उत्पादन की प्रक्रिया वर्षा पर निर्भर करती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के 5 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन के दृष्टिकोण से पंजाब और हरियाणा का पूरे भारत में अग्रणी स्थान है। यहाँ 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादन मध्यम स्तर का देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। इसी कारण इन क्षेत्रों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो क्षमता है वो कम पाई जाती है। तो हमने भारत में गेहूं का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं गेहूं के लिए आदर्श भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं, गेहूं कहाँ कहाँ उत्पादित किया जा सकता है। सबसे पहले मिट्टी की चर्चा करते हैं। देखिए, गेहूं की फसल के लिए दोमट, चीका और बलुई मिट्टियाँ जो होती हैं सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। मैदानी भागों में जो काप मिट्टी पाई जाती है वो गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे आदर्श स्थिति को दर्शाती हैं। तो दोमट है, बलुई है, चीका और कांप मिट्टियाँ जो होती हैं वो गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक आदर्श सिद्ध होती हैं। उसके बाद में चलते हैं जल की उपलब्धता या वर्षा की मात्रा। गेहूं की फसल के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है पर्याप्त रहती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में इससे कम वर्षा होती है वहाँ यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है तो ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में भी गेहूं की कृषि की जा सकती है। तो वर्षा के साथ साथ में सिंचाई की सुविधा वाले भागों में भी आसानी से गेहूं की कृषि की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में पूरी तरह गेहूं का उत्पादन सिंचाई की सुविधा पर निर्भर करता है वहाँ 4 से 5 बार सिंचाई के माध्यम से गेहूं की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। भूमि कैसी होनी चाहिए, मतलब धरातल, गेहूं की फसल के लिए समतल धरातल की स्थिति होनी चाहिए, लंबे समय तक जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तापमान की मात्रा, तापमान कैसा होना चाहिए। देखिए, गेहूं यदि हम चर्चा करें, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है तो बोते समय, पकते समय और काटते समय इसके लिए अलग अलग टेम्परेचर हैं। सामान्यतः यदि हम ऐसा कहें कि लगभग 15 डिग्री से लेकर और 27-28 डिग्री तक का जो तापमान होता है वो गेहूं की फसल के लिए पर्याप्त तापमान होता है, और ऐसी तापमान की दशाएं जहां पाई जाती हैं वहां अच्छा गेहूं का उत्पादन होता है। मानवीय श्रम की क्या आवश्यकता पड़ती है। गेहूं की फसल को बोने से लेकर उसमें उगने वाली खरपतवार को मिटाने के लिए निराई गुड़ाई की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो खेतों में निराई गुड़ाई की प्रक्रिया करने, सिंचाई के दौरान विभिन्न प्रकार की स्थितियों का निर्माण करने, भूमि को समतलीकरण करने, भूमि को पानी पिलाने की प्रक्रिया के दौरान गेहूं के पौधों को काटने के लिए, इकट्ठा करने के लिए और मशीनों से निकलवाने तक अधिकांश जो प्रक्रियाएँ होती हैं मानव के द्वारा की जाती हैं। तो मानवीय श्रम भी गेहूं उत्पादन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रासायनिक उर्वरकों की स्थिति क्या है या उर्वरकों की स्थिति क्या है। देखिए, गेहूं उन क्षेत्रों में भी उत्पन्न किया जाता है जहां की मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तो जहां कम उपजाऊपन की स्थिति देखने को मिलती है वहां रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके गेहूं का उत्पादन किया जाता है।
यूरिया है, डीएपी है, साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जैविक खाद हैं, हरी खाद हैं, इनको डालकर अनुर्वर या कम उपजाऊ क्षेत्रों की मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है और फिर आसानी से उसमें गेहूं का उत्पादन भी किया जा सकता है। गेहूं की किस्में कौन कौन सी, देखिए प्रादेशिक आधार पर गेहूं की बहुत सारी किस्में हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। जैसे आपने सोना कल्याण का नाम सुना होगा, 1482 का नाम सुना होगा, लोकवन का नाम सुना होगा, राजवन का नाम सुना होगा, कल्याणी का नाम सुना होगा, चंपारण का नाम सुना होगा, मुंगेर का नाम सुना होगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो गेहूं के किस्मों के रूप में शामिल की जाती हैं। तो ये गेहूं रूपी जो फसल थी उसका एक संक्षिप्त सा वर्णन था, कहाँ कहाँ गेहूं की फसल उत्पादित की जाती है, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं उसमें देखने को मिलती हैं। अब हम चलते हैं मक्का के ऊपर। देखिए खाद्यान्न फसलों के साथ साथ में मक्का जो है एक चारा फसल भी है, यानी कि खाने के लिए तो काम आती है, साथ साथ में पशुओं के लिए चारे के लिए भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो मक्का एक खाद और चारा फसल दोनों है जो निम्न कोटि की मिट्टी व अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 3.6% भाग पर मक्का रूपी फसल बोई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं होती, अपितु जहां भी इसके लिए आवश्यक दशाएं मौजूद होती हैं वहां आसानी से मक्का की कृषि की जा सकती है। यह पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और शामिल हैं। जबकि गौण रूप से मक्का का उत्पादन करने वाले राज्यों में इन राज्यों को छोड़कर जो शेष राज्य हैं वो शामिल किए जाते हैं। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा मक्का की पैदावार अधिक होती है। इसकी पैदावार दक्षिणी राज्यों में अधिक है जो मध्य भागों की ओर धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों में मक्का उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं देखने को मिलती हैं। जैसे से हम दक्षिणी राज्यों से मध्य राज्यों और उत्तरी राज्यों की ओर आते हैं, मक्का उत्पादन के लिए आवश्यक मानी जाने वाली आदर्श दशाएं कमजोर होती जाती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी धीरे धीरे क्या होता जाता है, घटता जाता है। इस फसल का प्रयोग खाने के साथ साथ में पशुओं को चारा चराने के लिए भी किया जाता है। तो ये खाद्यान्न फसल होने के साथ साथ में चारा फसल भी है जिसका पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों हम चलते हैं ज्वार की ओर। ज्वार भी एक खाद्यान्न फसल है और खाने के साथ साथ में एक चारा फसल है। यह चारे के लिए विशेष रूप से उत्पादित की जाती है, हरे चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए ज्वार का उत्पादन किया जाता है। हमारे भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। इन मोटे अनाजों में ज्वार सबसे महत्वपूर्ण है जो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.3% भाग पर बोई जाती है। यह दक्षिण व मध्य भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। महाराष्ट्र राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो भारत में उत्पादित की जाने वाली कुल ज्वार का लगभग आधे से अधिक भाग उत्पादित करता है। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नामक जो राज्य हैं वो भी ज्वार का उत्पादन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। दक्षिणी राज्यों में ज्वार का उत्पादन खरीफ की फसलों के रूप में किया जाता है। खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी भारत में ज्वार का उत्पादन मुख्य रूप से खरीफ की फसल के रूप में किया जाता है। इसके साथ साथ में पशुओं को चारण के लिए जायद की फसल के रूप में भी ज्वार बो दी जाती है। ज्वार का उपयोग मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। विंध्याचल के दक्षिण में ये वर्षा आधारित फसल है तथा यहाँ इसकी उत्पादकता भी क्या है, कम देखने को मिलती है। तो ज्वार खाद्यान्न फसल के रूप में तो जानी जाती है, लेकिन खाद्यान्न फसल से ज़्यादा महत्व इसका चारा फसल के रूप में होता है और पशुओं की चारे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ज्वार रूपी फसल को बोया जाता है। तो ये हरे चारे की फसल के रूप में अधिक जानी जाती है या हरे चारे की फसल के रूप में इसका महत्व अन्य खाद्यान्न फसलों की तुलना में अधिक माना गया है। अब चलते हैं दालों के ऊपर। देखिए
जो अनाज थे उनको दो भागों में बांटा गया था, एक तो खाद्यान्न के रूप में यानी जिनका खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और दूसरा दलहन के रूप में यानी जो दलहन या दालों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तो दालें क्या होती हैं? प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत होती हैं। दालों से सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है। भारतीय लोग मुख्य रूप से शाकाहारी लोगों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं और भारत की अधिकांश जनसंख्या भी शाकाहारी जनसंख्या की श्रेणी में शामिल की जाती है। तो शाकाहारी भोजन में दालों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। शाकाहारी भोजन के प्रमुख संघटक के तत्व के रूप में दालों को शामिल किया जाता है। दालें फलीदार फसलें होती हैं और ऐसी फलीदार फसलों में नाइट्रोजन योगकरण के द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ती रहती है। दाल रूपी फसलों में जो जड़ें होती हैं उन जड़ों से नाइट्रोजन यौगिकीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और जब ये प्रक्रिया संपन्न होती है तो संबंधित क्षेत्र की जो मृदा अनुपजाऊ थी या कम उपजाऊ हो गई थी उस मृदा को ये उपजाऊ बना देती हैं। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ विश्व की लगभग 20% दालों का उत्पादन किया जाता है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्षिण के पठार, मध्य पठारी भाग और उत्तरी पश्चिमी शुष्क भागों में विशेष रूप से की जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन देखने को मिलता है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता हमें कम देखने को मिलती है। दालों के उत्पादन में अलग अलग वर्षों में उत्पादन की स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। चना और अरहर भारत की दो प्रमुख दालें हैं। चना और अरहर के साथ साथ में मूंग है, मसूर है, सोयाबीन है, मोठ है, ये सारे चौला है, ये भी ऐसी दालें हैं जो दलहन फसलों के रूप में शामिल की जाती हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में इन सभी का प्रादेशिक आधार पर अलग अलग उत्पादन होता है। एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल जो शुष्क क्षेत्रों की फसल के रूप में जानी जाती है बाजरा। बाजरा भारत के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग जहाँ गर्म और शुष्क जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं उन क्षेत्रों में एक मुख्य फसल के रूप में बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखे की स्थिति होती है उसको सहन करने में समर्थ होती है, तथा इस फसल का अकेले या दूसरी फसलों के साथ मिश्रण के रूप में से बोया जाता है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बाजरे की फसल बोई जाती है। भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और हरियाणा का नाम शामिल किया गया है। बाजरे की फसल खरीफ की ऋतु के दौरान बोई जाती है, तो वर्षा पर निर्भर होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता हमें कम देखने को मिलती है। प्रतिवर्ष बाजरे के उत्पादन में अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से तथा गुजरात और हरियाणा में सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। यह कम नमी वाले क्षेत्रों में आसानी से वृद्धि प्राप्त कर सकती है, या हम ऐसा कहें इस फसल को उत्पादित होने में नमी की आवश्यकता कम होती है। इसी कारण विशेष रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग, गुजरात के उत्तरी भाग, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, इन क्षेत्रों में बाजरा रूपी फसल का विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के पश्चिम भागों की यह एक मुख्य खाद्यान्न फसल है जो यहाँ के लोगों की खाद्यान्न आपूर्ति को पूरा करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने भारत के कुछ महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों की चर्चा की, जिसमें हमने चावल के बारे में पढ़ा, गेहूँ के बारे में पढ़ा, बाजरा के बारे में पढ़ा, साथ साथ में हमने चारा फसल और खाद्यान्न फसल के रूप में शामिल की जाने वाली मक्का और ज्वार की चर्चा भी की। इन सभी के साथ साथ दलहन के रूप में शामिल की जाने वाली कुछ फसलों की हमने चर्चा की, जिनमें दालों के अंदर मुख्य रूप से मूंग है, मसूर है, उड़द है, चवला है, सोयाबीन है, चना है और अरहर रूपी जो फसलों की जिन्हें मुख्य रूप से दलहन फसलों के रूप में शामिल किया गया था उनकी चर्चा हमारे इस वीडियो में, आज की वीडियो में हमने की।
तो आज का ये जो हमारा वीडियो है यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।